हेलो एवरीवन, डेटा स्ट्रक्चर के इस लेक्चर में हम 2D एरे का किसी एक लोकेशन का एड्रेस कैलकुलेट करेंगे अगर 2D एरे कॉलम मेजर ऑर्डर में रिप्रेजेंटेड है। मींस कि लेक्चर का टॉपिक है एड्रेस कैलकुलेशन इन कॉलम मेजर ऑर्डर। अगर एक एरे हमारा 4x4 का है जैसा हमने डायग्राम में दिखाया है, तो लॉजिकली जैसा प्रोग्रामर देखता है, अगर ए नाम का एरे है तो 4x4 का है, तो उसके जो रोज हैं वो 0 से 3 तक इंडेक्स हो जाएंगी और कॉलम भी 0 से 3 तक इंडेक्स हो जाएंगे। लेकिन अगर इसको हम कॉलम मेजर ऑर्डर में रिप्रेजेंट करें तो मेमोरी कॉलम बाय कॉलम रिप्रेजेंट होगी, मेमोरी कॉलम बाय कॉलम एलोकेटेड होगी। यानी पहले फुल फर्स्ट कॉलम की मेमोरी एलोकेट होगी, फिर फुल सेकेंड कॉलम, फिर फुल थर्ड कॉलम, फिर फुल फोर्थ कॉलम। तो आप ये देखिए, अगर ये एरे हमारा जो ऊपर हमने दिखाया है लॉजिकल व्यू में, ये अगर कॉलम मेजर ऑर्डर में मेमोरी में बनेगा तो इस प्रकार बनेगा। पहले मेमोरी कॉलम 1 के लिए एलोकेट होगी, फिर कॉलम 2, फिर कॉलम 3, फिर कॉलम 4। इसके इंडेक्स आप देखिए 0 0 1 0 2 0 3 0, इसी प्रकार से 0 1 1 1 2 1 3 1, तो सारे कॉलम एक एक करके मेमोरी में एलोकेट हो जाएंगे, कॉलम बाई कॉलम मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। इसको हमने जो हमारा 2D एरे रिप्रेजेंटेशन है उसमें डिस्कस किया था इन बातों को। अब हम इसके फार्मूला को देखते हैं। एड्रेस ऑफ ए आई जे, अगर हमारा एरे कॉलम मेजर ऑर्डर में रिप्रेजेंटेड है 2D एरे, तो किसी एक लोकेशन का ए के आई जे का एड्रेस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। एड्रेस ए आई जे इज इक्वल टू बी प्लस डब्ल्यू ब्रैकेट में एम इंटू जे माइनस एल सी प्लस आई माइनस एल आर, जहां पर बी क्या बेस एड्रेस है, डब्ल्यू साइज ऑफ वन डेटा एलिमेंट है, एम नंबर ऑफ रोज है। एम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, एम इज इक्वल टू यू आर माइनस एल आर प्लस वन। यू आर यहाँ पे अपर बाउंड ऑफ रो है और एल आर लोअर बाउंड ऑफ रो है। एल आर लोअर बाउंड ऑफ रो है और एल सी लोअर बाउंड ऑफ कॉलम है। आई डिजायर्ड इंडेक्स है और जे डिजायर्ड आई डिजायर्ड रो इंडेक्स है और जे डिजायर्ड कॉलम का इंडेक्स है, मतलब जो हमें कैलकुलेट करना है। एग्जाम्पल, ए 2D एरे इज डिफाइंड एज 0 to 6 एंड 0 to 9। एक 2D एरे जो 0 से 6 और 0 से 9 डिफाइन है, इसका मतलब ये हुआ 2D एरे जो मेरा डिफाइन है वो उसके रो के इंडेक्स 0 से 6 तक है और कॉलम के इंडेक्स 0 से 9 तक है, यानी उसमें 7 रोज है और 10 कॉलम्स है। ओके, साइज ऑफ वन डेटा एलिमेंट इज 2 बाइट, मान लेते हैं हर एक एलिमेंट का साइज 2 बाइट है। मान लीजिए सी में इंटीजर एरे है। बेस एड्रेस इज 200, नाउ कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ ए ऑफ 37। सपोज एरे इज रिप्रेजेंटेड इन कॉलम मेजर ऑर्डर, आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है ए के 37 का एड्रेस, मतलब एरे ए के थर्ड रो के 7 कॉलम का एड्रेस, जबकि एरे कॉलम मेजर में रिप्रेजेंटेड है। तो हमारा सोल्यूशन यह है, गिवन दैट बी इज इक्वल टू 200, W इज इक्वल टू 2, M इज इक्वल टू 7, M मैंने नंबर ऑफ रो, तो नंबर ऑफ रो हमारी 0 से 6 तक 7 है। एल आर इज इक्वल टू 0, एल सी इज इक्वल टू 0, I इज इक्वल टू 3 और J इज इक्वल टू 7 है। एड्रेस ऑफ ए आई जे इज इक्वल टू व्हाट, B प्लस W इंटू M इंटू J माइनस एल सी प्लस आई माइनस एल आर, तो वैल्यूज पुट कर देंगे हम। एड्रेस ऑफ ए ऑफ 37 इज 200 प्लस 2 इंटू 7 इंटू 7 माइनस 0 प्लस 3 माइनस 0, तो इसको कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा, 200 प्लस 2 और ये 7 इंटू 7 माइनस 0 प्लस 3 माइनस 0, तो 200 प्लस 2 इंटू 7 इंटू 7 प्लस 3, ये हो जाएगा क्या 49 और प्लस 3, 49 प्लस 3 हो जाएगा 52, तो 52 इंटू 2 ये हमारा हो जाएगा 104, 104 और 200 जुड़ जाएगा तो ये 304 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने कॉलम मेजर ऑर्डर में एरे के किसी एक लोकेशन का यानी ए के आई जे का एड्रेस कैलकुलेट करना सीख लिया विद एग्जाम्पल। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।